यूपी की छोरियों ने कर दिया ऐसा कारनामा कि दुनिया भर के इंजीनियर्स का चकरा गया माथा। दिव्यांगों के लिए बना दी ऐसी डिवाइस जो रास्ता भी बताएगी और खतरे का संकेत भी देगी। चार छात्राओं ने मिलकर किया ऐसा आविष्कार जिसने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को कर दिया हैरान। छात्राओं के इन्वेंशन ने मचा दी धूम। दिव्यांगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये डिवाइस। उत्तर प्रदेश जितना सियासी लिहाज से अहम है तो उससे कहीं ज्यादा यहाँ की प्रतिभाएं सुर्खियों का हिस्सा बनती हैं। आज हम आपको यूपी की चार ऐसी छात्राओं से मिलवाएंगे जिनके आविष्कार ने पूरी दुनिया में हंगामा काट दिया है और इनका टैलेंट देखकर आप भी इन्हें सलाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। इनके नाम हैं अंकिता, अंजलि, अंशिका और अनामिका। ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की चार ए हैं जिनके A1 आविष्कार ने गर्दा उड़ा दिया है। चारों छात्राओं ने एक ऐसी डिवाइस बनाकर तैयार की है जो दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होगी। छोटी सी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली इन छात्राओं का कारनामा पूरे देश में सुर्खियां हासिल कर रहा है। दरअसल अंकिता, अंजलि, अंशिका और अनामिका ने एक ऐसी जादू की छड़ी बनाई है जो दिव्यांगों को रास्ता दिखाएगी। चारों भावी इंजीनियर्स ने कम उम्र में ही बड़ा आविष्कार किया है जिससे दिव्यांगों को काफी फायदा होगा। शिवरात्रि के मौके पर तैयार की गई इस छड़ी का नाम छात्राओं ने शिवा ब्लाइंड स्टिक रखा है। ये छड़ी दिव्यांगों को किसी भी स्थान पर पहुंचने और उसके बारे में जानकारी देगी। यहां तक कि मंदिर में किस भगवान की मूर्ति लगी है इसके बारे में भी डिवाइस के माध्यम से पता चल जाएगा। तीन छात्राएं बीटेक और एक MBA कर रही है। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने दिव्यांगों की मदद के बारे में सोचा। 10 दिन के अंदर बनाकर तैयार किया गया है। बाजार में इसकी कीमत 600 से 700 रुपए तक होगी। चारों छात्राओं ने इस डिवाइस को असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत राय के निर्देशन में तैयार किया है। ये छड़ी रेडियो सिग्नल पर काम करती है। छड़ी में रिसीवर होता है जो वॉइस सर्किट से जुड़ा होता है। इस सर्किट का एक ट्रांसमीटर होता है जिसे धार्मिक स्थलों, मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल की जानकारी ट्रांसमीटर चिप में इंस्टॉल कर सकते हैं। दिव्यांग छड़ी में लगे बटन को दबाता है तो उस एरिया में ट्रांसमीटर को एक रेडियो सिग्नल मिलता है। इससे छड़ी में लगे ईयरफोन में आवाज के माध्यम से ये पता चल जाता है कि उनके नजदीक क्या है। छात्राओं का ये आविष्कार देखने के बाद दुनिया भर के इंजीनियर्स माथा पीट रहे हैं कि आखिर अब तक उन्होंने ये सफलता क्यों हासिल नहीं कर पाई। इन चारों सहेलियों के आविष्कार की तकनीकी को खरीदने के लिए अब तमाम ऑफर्स भी आ रहे हैं, लेकिन छात्राओं का कहना है कि हमारा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है बल्कि हमारा उद्देश्य लोगों की मदद करना है और ऐसे लोगों की मदद करना है जो गरीब हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।